मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर तेजी से काम चल रहा है। इस संबंध में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली एक हफ्ते के अंदर लागू कर देंगे। इसके लिए कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में हल्की ठंड का असर है। अधिकांश जिलों में रात का पारा 15 डिग्री के नीचे है। वहीं ग्वालियर की रातें सबसे सर्द है। यहां पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो पचमढ़ी के तापमान से 3 डिग्री कम है। इंदौर, खंडवा और होशंगाबाद में पारा सबसे ज्यादा है। खंडवा होशंगाबाद में तो तापमान 18 डिग्री तक है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का नया कारनामा सामने आया है। 22 दिसंबर को 25वां दीक्षांत समारोह होने वाला है। इस समारोह में ऐसी छात्रा को गोल्ड मेडल दिया जाएगा जिसे परीक्षा में 38% अंक मिले हैं। उस लड़की का नाम है सलोनी मूरत, जबकि 81% और 83% अंक लाने वाली छात्राएं दूसरे और तीसरे नंबर पर है। गुना जिले के मगराना गांव में बहू ने ससुर पर रेप का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके ससुर ने अकेले में कई बार उसके साथ रेप किया। जब विरोध किया तो उसे पति के साथ घर से निकाल दिया। महिला ने बुधवार को म्याना थाने पहुंचकर शिकायत की है। भोपाल में भाजपा और कांग्रेस नेताओं का घुटना तोड़ने से शुरू हुई राजनीति बुधवार को रामधनु और भजन पर खत्म हो गई। दोनों तरफ से दूर से ही भजन पर आमना सामना हुआ। दिग्विजय सिंह और कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के घर के आसपास जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी है।